दुनिया में बहुत ही कम लोग जानते हैं औरत का ये भाग है सबसे ज्यादा पवित्र। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि औरत के कौन से लक्षण उसे पूरे परिवार के लिए भाग्यशाली बनाते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों पूरी दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं कि औरत का सबसे पवित्र अंग कौन सा है। अगर आप जान लेंगे ये बात तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों हर व्यक्ति को ये बात जानने की उत्सुकता रहती है कि आखिर महिला के अंदर सबसे पवित्र अंग कौन सा होता है। दुनिया का हर व्यक्ति इस बात को जानना जरूर चाहेगा। आपको बता दें कि कई लोग ऐसे हैं जो महिलाओं के पैरों को सबसे पवित्र अंग मानते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को पूजनीय माना गया है, उन्हें सबसे उच्च सम्मान प्राप्त है। यही वजह है कि हमारे यहाँ कन्याओं के पूजन की परंपरा है। सामुद्रिक शास्त्र की बात करें तो इनमें महिलाओं और गृहिणियों के अंगों के बारे में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया है। उनका कौन सा लक्षण किस पुरुष के लिए बेहतर या भाग्य बदलने वाला होगा, इस सवाल के जवाब भी सामुद्रिक शास्त्र में है। इसमें महिलाओं के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक की स्थिति और उसका फल बताया गया है। इसमें महिलाओं के बड़े अंगों का भी अलग अलग फल बताया गया है। शायद यही वजह है कि जब हमारे घर के बुजुर्ग विवाह के लिए लड़की देखने जाते थे तो वो शारीरिक सुंदरता की बजाय बालिका के शारीरिक अंगों और लक्षणों पर अधिक गौर करते थे। चलिए आपको बताते हैं कि महिलाओं का कौन सा अंग सबसे पवित्र है, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि महिलाओं के कौन से बड़े अंग पति और परिवार के भाग्य को बदलने वाले और शुभ कारक होते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। पहला लक्षण, लंबे और बड़े बाल। शास्त्रों में वर्णित है कि लंबे बालों वाली महिलाएं पद्मिनी होती है, अर्थात उच्च कोटि की होती है। लंबे और रेशमी बाल शुभता और सौंदर्य का प्रतीक है। भगवती देवी का कोई भी चित्र या प्रतिमा देखें तो पाएंगे कि उनके बाल हमेशा लंबे होते हैं। लंबे बालों वाली महिलाएं पति के लिए सौभाग्यशाली साबित होती है। दूसरा लक्षण, लंबी गर्दन। सामुद्रिक शास्त्र में लंबी गर्दन वाली महिलाओं को मंगलकारी माना गया है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की गर्दन लंबी होती है वो ऐश्वर्यशालिनी होती है। इनके पास संपूर्ण वैभव होता है। इनके रहते पति को कभी पैसों की कमी नहीं आती। तीसरा लक्षण, माथा चौड़ा होना। अगर आपकी चारों उंगलियां बहुत आसानी से आपके माथे पर आ जाए तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ लक्षण है। अगर तीन आ पा रही है तो इसका मतलब है कि आपका माथा छोटा है। छोटे माथे वाली स्त्रियां कभी भी कोई भी फैसला खुद से नहीं ले पाती। ऐसी स्त्रियों में आत्मविश्वास की कमी होती है, भाग्य भी कमजोर रहेगा। और जो बड़ा माथा होता है जिसे गज मस्तक कहते हैं, ऐसी स्त्रियां बहुत ही सौभाग्यशाली होती है। ऐसी स्त्री के पति को यश, सम्मान और प्रसिद्धि मिलती है समाज में, और उनके हर कार्य में बड़ी स्पष्टता होगी और हर कार्य में सफलता मिलेगी। ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। दोस्तों चौथा लक्षण, माथा बाधा रहित होना चाहिए। यानी कोई भी अगर निशान, जैसे कोई कट का निशान है, अगर ये निशान जन्मजात है तो ये परेशानी पैदा करता है। ऐसे लोग फिर चाहे वो लड़के हो या लड़कियां बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, काफी हद तक स्वार्थी भी होंगे। ऐसे लोग जल्दबाज और जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं। वहीं अगर ये निशान जन्मजात ना होकर बाद में बना हो, यानी जन्म के बाद में अगर माथे पर चोट आती है और चोट का निशान रह जाता है, तो मतलब है कि उनका मंगल कमजोर है। और जिस भी व्यक्ति का मंगल कमजोर होता है उसे 12 साल से कम उम्र में ही माथे पर चोट जरूर लगती है। ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है, मतभेद रहते हैं अपने जीवन साथी के साथ। तो जिन भी लोगों के माथे पर अगर किसी भी तरह का चोट का निशान या जले का निशान है, तो ऐसे लोगों को अपने माथे पर चंदन जरूर लगाना चाहिए, इससे आपका भाग्य प्रबल होगा। पांचवा लक्षण, शरीर की गंध और शरीर पर बहुत ज्यादा बाल होना। अगर किसी भी व्यक्ति के पसीने में, खासकर महिलाओं में, बहुत ज्यादा बदबू होती है या उसके शरीर पर बाल बहुत ज्यादा है, तो निश्चित ही ऐसी स्त्रियां शनि दूषित हैं। और शनि अगर दूषित हो तो ऐसी स्त्री किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाती। ऐसी स्त्री के परिवार वालों को भी असफलता देखनी पड़ती है। चरित्र भी ऐसे लोगों का अच्छा नहीं रहता, हमेशा उनके कामों में देरी होगी। ऐसे लोग कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे, निशाचर प्रवृत्ति के होंगे। ऐसी स्त्रियां दूसरों पर जल्द भरोसा नहीं करती। हाँ, अगर सामान्य बाल है या सामान्य गंध है पसीने की तो ये ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा गंध है तो ये शुभ लक्षण नहीं है। ऐसी स्त्रियों को हमेशा ही परफ्यूम, इत्र और सुगंध की चीजों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, इससे उनका शुक्र ग्रह मजबूत होगा। क्वेश्चन है आवाज।
दोस्तों अगर पुरुषों की बात करें तो जिन पुरुषों की या लड़कों की आवाज तेज होगी और स्पष्ट होगी ऐसे लड़के बहुत भरोसेमंद होंगे। उनका सूर्य बहुत ही ज्यादा प्रबल होता है और वो हर क्षेत्र में सफल होते हैं, चाहे नौकरी करें या व्यापार करें तो बिल्कुल अपने दम पर सफलता पाएंगे। जबकि जो धीरे बोलने वाले लड़के हैं यानी हल्की आवाज के लड़के हैं, जिनकी बात एक बार में स्पष्ट ना हो, तो ऐसे लोगों का आत्मविश्वास कमजोर होगा, वो हमेशा अपने जीवन में कंफ्यूज रहेंगे। और वहीं अगर स्त्रियों की बात करें तो कर्कश वाणी वाली स्त्रियां हैं या जो बहुत तेज आवाज की लड़कियां हैं, ऐसी स्त्रियों को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए। जबकि धीमी आवाज वाली मीठी आवाज की लड़कियां बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है, उन्हें अपने जीवन में हर तरह का सुख बहुत ही आसानी से मिलता है। सातवां लक्षण, जो लोग चलते समय पैरों से बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, खास करके घर की महिलाएं अगर चलते हुए पैरों से आवाज करती है, बहुत तेज चलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं, तो ये भी अच्छा लक्षण नहीं है। चलते समय अगर पैर घसीट कर चलते हैं जो लोग, या कोई भी कारण से अगर आवाज आती है पैरों की, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए स्त्रियों को पायल पहननी चाहिए ताकि चलते समय पायल की मधुर ध्वनि से घर में शुभता और सकारात्मकता रहे। आठवां लक्षण, आंखें। दोस्तों आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, आंखें हमारे व्यक्तित्व का दर्पण है, और ये बात बिल्कुल सटीक है। आंखें निर्बाधा होनी चाहिए यानी कि कोई भी चोट का निशान आंखों के आसपास नहीं होना चाहिए, आईब्रोज के आसपास भी नहीं होना चाहिए, और आंखों में एक चमक होनी चाहिए। ऐसी स्त्री पूरे घर के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जाती है। नौवां लक्षण, नाखून। जिन भी लोगों के नाखून चबाने की आदत होती है तो ये सीधा सीधा अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण देने के बराबर है। जो नाखून चबाने वाले लोग होते हैं वो हमेशा किसी न किसी मानसिक दबाव में होंगे, किसी न किसी कुंठा का शिकार होंगे। ऐसी स्त्रियों के जीवन में ठहराव नहीं आता है, जबकि जिनके नाखून लंबे चमकदार होते हैं ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। ऐसी स्त्रियों से घर में सौभाग्य आता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जहां महिलाओं की पूजा की जाती है वहां देवताओं का निवास होता है, और जहां इनका अपमान होता है, इन्हें गालियां दी जाती है, इन्हें बार बार परेशान किया जाता है, तो वहां पर गलती से भी देवी देवता निवास नहीं करते। इसीलिए महिला का सम्मान करें, महिला का सम्मान प्रकृति का सम्मान माना जाता है। तो चलिए दोस्तों अब ये भी जान लेते हैं कि महिलाओं में उनका सबसे पवित्र अंग कौन सा है। दोस्तों हमारे ऋषियों के अनुसार ब्राह्मणों के पैर पवित्र होते हैं, गाय की पीठ पवित्र होती है, घोड़ों और बकरियों के मुंह पवित्र होते हैं, लेकिन बात जब एक महिला की आती है तो उसके शरीर के एक हिस्से की पवित्रता की बात करें तो ऋषि मुनियों का कहना है कि महिला शुद्ध है। वैसे तो किसी भी महिला का सिर्फ एक हिस्सा नहीं बल्कि पूरा शरीर ही पवित्र है, लेकिन उसमें भी महिलाओं की नाभि सबसे ज्यादा पवित्र होती है। महिलाओं की नाभि में मां शक्ति का वास होता है। महिला की नाभि में तो इतनी शक्ति है कि बच्चे को जन्म देने वाली महिला की नाभि से ही कोख में पल रहे बच्चे का विकास होता है। महिलाओं को इस अंग की पवित्रता को बनाए रखने के लिए और मां शक्ति का सम्मान करते हुए रोजाना अपनी नाभि पर तेल जरूर लगाना चाहिए। जो महिला रोजाना नाभि पर तेल लगाती है ऐसी महिला होती है सबसे ज्यादा भाग्यशाली, और ऐसी महिला हर रोग से दूर रहती है। ऐसी स्त्री से घर में सौभाग्य आता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव। जय महाकाल।